ने खाना बनाकर खत्म किया। उसने सोचा नहीं था फुशिया वो पहला पर्सन होगा जिसके लिए वो खाना बनाएगा। वो बैठकर सोचने लगा जो उसके सामने बैठा है वो गॉडेस होना चाहिए, लेकिन रियलिटी में तो कुछ और ही था। फुशिया ने जब खाने के लिए खाना उठाया उसने देखा खाना में धनिया है जो वो नहीं खाता। सॉसेस भी कटा हुआ था, वो भी ऑक्टोपस के साइज में नहीं। फुशिया तो पहचान भी नहीं रहा था कि ये कौन सी सब्जी है, क्या ये खाया जा सकता है। उसने सोचा बर्बाद, सब बर्बाद। वो एक बाइट लेने के बाद कुछ पल रुक गया और बबंदर की तरह पूरे खाने में टूट पड़ा। उसे इस तरह खाता देख लिनमू को लगा वो भूखा है, लेकिन खाना इतने तेजी से खत्म हो रहा था कि लिनमू जोर से कहता है, मेरे लिए भी कुछ छोड़ दो। चिकन लेग पीस लास्ट एक बचा था तो लिनमू जल्दी से लेकर खाने लगा। उसके खुद की कुकिंग एक्सपेक्ट के हिसाब से जो भी इसे सूंघेगा उसके मुँह से लार टपकेगा। फुशियो कहता है, मेरा ड्रम स्टिक कहाँ है? लिनमू कहता है, हु? ड्रम स्टिक? ड्रम स्टिक क्या? मुझे नहीं पता तुम्हारा क्या मतलब है। कुछ पल के खामोशी के बाद फुशियो कहता है, यह आओ। लिनमू कहता है, कि क्यों? फुशियो खुद ही खड़ा होकर उसके मुंह में लगे खाना को साइड करके कहता है, ये क्या है? लिनमू को लगा फुशियो को खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, तो वो कहता है, अगली बार मैं फिर से खाना बना दूंगा, ठीक है? लेकिन फुशियो को तो खाना बहुत पसंद आ रहा था, वो फिर से खाने लगा। लिनमू उसे देख कर सोचता है, रुको, ये सही नहीं है, मुझे सॉरी क्यों फील करना चाहिए? क्या मैं एक ड्रम स्टिक नहीं खा सकता जो मैंने बनाया है? उसके बनाए गए खाना फुशियो ही खा गया, उसे अच्छा नहीं लग रहा था। वो कुछ ऐसा तो कर ही सकता था जिससे वो खुद को खुश कर सके, इसलिए उसने फोन निकालकर गॉडेस को मैसेज किया और ये नोटिफिकेशन फुशियो के फोन पे आया। नोटिफिकेशन की वजह से जो शब्द हुआ लिनमू ने उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। वो मैसेज में कहता है, आई एम सो सॉरी उस दिन अचानक जाने के लिए। उसके पास बैठे फुशियो के फोन पे नोटिफिकेशन आई ही जा रहा था जिस वजह से फुशियो का हालत खराब होने लगा, तो लिनमू उसे क्वेश्चन भरी नजर से देखने लगा। फुशियो अपने फोन को निकालकर म्यूट में करते हुए गले साफ करके कहता है, ये सिर्फ स्पैम मैसेज है। लिनमू सोचने लगा, ऐसा लगता है कि अमीर लोग स्पैम मैसेज से भी नहीं बच सकता। गॉडेस ने भी कोई रिप्लाई नहीं किया था तो लिनमू को लगा शायद गॉडेस अभी भी बिजी होगा। वो फिर से मैसेज करते हुए कहता है, ये सब इसलिए था क्योंकि मेरे बॉस ने मुझे अचानक बुला लिया था। आज भी मैं सुधार करना चाहता था और आपको खाने के लिए इनवाइट करना चाहता था, लेकिन मुझे ऑफिस में ओवरटाइम के लिए बुला लिया गया और उसने मुझसे अपने लिए खाना भी बनवाया। मुझे लगता है कि मैंने जो साइन किया था वो एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं बल्कि मेरे बॉडी को बेचने का एक काम था। दूसरी तरफ फुशियो ये सब मैसेज को देखकर सोच रहा था, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ बॉस के पीठ पीछे बुरा बात करने का? ऐसा लगता है तुम्हें पनिश्ड करने की जरूरत है। फिर वो कहता है, तुम प्लेट्स को यही छोड़ दो, मेड बाद में क्लीन अप करने आएगी। तो लिनमू कहता है, ऑल राइट, मैं वॉशरूम यूज करने चलता हूँ। फिर फुशियो के घर में इतने सारे कमरे हैं कि लिनमू जाकर गलत कमरे में ही घुस गया, उसे लगा वही वॉशरूम है, लेकिन वो वॉशरूम नहीं था, वहाँ लड़कियों के कुछ कपड़े और चीजें रखा हुआ था।